हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज लखनऊ निकलने वाली थी बट मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा सा मैं कोल्ड हो गया है और फीवर वगैरह आ रहा था, इसलिए मैं आज नहीं जा पाई। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही हो जाए, आप लोग को लग रहा होगा मेरी कोल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब अजीब सा फील हो रहा है, सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और कल अब हो सकता है मेरी आज तबीयत सही हो जाती है तो मैं कल निकलूँगी। और मैंने आज मेरी सोचे थे कि जाएंगे तब मतलब वीडियो शूट करेंगे, उसका बारे में वीडियो नहीं शूट किया है। और कल मैं अपने ससुराल गई थी, वहाँ की क्लिप मैं आप लोग को दिखा दूँगी, आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मेरे ससुराल वालों से भी आप लोग मिल लीजिए, तो वो मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दूँगी उसके आगे, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हेलो एवरीवन, तो मैं इस समय जा रही हूँ अपने ससुराल में। मेरा ससुराल इलाहाबाद में ही है और मेरे मतलब ससुराल पूरा मेरा जितना है, चाचा ताऊ सब यहाँ इलाहाबाद में ही है, बट हम लोग इनकी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली लखनऊ में रहते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं। मैं क्या आए और ससुराल कैसे ना जाएँ, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। देखिए मैंने आज साड़ी भी पहना हुआ है, क्योंकि मैं जब भी इलाहाबाद आती हूँ अगर मुझे ससुराल जाना है तो मैं साड़ी ही पहन के वहाँ पर जाती हूँ। तो वहाँ पर चलती हूँ, फिर अपनी ताई जी वगैरह सबसे आपको मिलाती हूँ। कहाँ बैठे श्याम जी, परेशान थे कि हमारा नंबर बढ़वा दीजिए, नंबर बढ़वा दीजिए। तो मैं अपने ससुराल में इस समय आ गई हूँ, आई हूँ अपनी चाची जी के यहाँ, तो मैं आप लोग को मिलवाती हूँ। और यहाँ पे जिया जी भी बैठे हैं, ये हैं जिया जी, हाय। ये चाची जी, ये इनके दोनों बेटे हैं मेरे छोटे देवर, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं देख लिया। अभी चाचा जी नहीं, अभी चाचा जी और दीदी आती है तो फिर मिलवाती हूँ आप लोगों से। अच्छा, ये छोटा दी नंबर बढ़वा दिया जाए। ये मेरी छोटी सी बेटी है, मेरी नंद की है, दीदी है उनकी बेटियाँ, अभी दीदी है नहीं तो इसको मैं मिलवाती हूँ। ये भी मेरी पाखी के ही जैसे है, नाइशी बोलो हाय। तो अभी दीदी आती है तो फिर दीदी से भी आप लोग को मिलवाती हूँ। जाओ दोनों लोग जाओ, जाओ फोटो खींचो दोनों लोग, हम वीडियो बनाए, फोटो खींचो, हम दोनों लोग वीडियो बनाए दोबारा। अभी हम बनाएंगे, आप काय परेशान हो रही, इधर आओ। तो ये देखिए मैं आई हूँ अपनी ताई जी के यहाँ, ये मेरी ताई जी, ताई जी हाय करिए, हाय। ताई जी को ना कैमरे का बड़ा शौक है, तो अभी आप लोग को और सबसे मिलवाती हूँ अपने घर में। नहीं नहीं, देखिए ये है दीदी, दीदी हाय करिए, ये भैया, रानी भैया हाय करिए उधर से, और ये ताऊ जी है मेरे, मेरे घर के सबसे बड़े ताऊ जी हैं ये, पूरे घर में सबसे बड़े हैं। ये सचिन देवर है, सचिन उधर से हाय करो, हाय करो, नहीं करोगे हाय तो करो। और ये जिया जी हैं। तो हम उधर जाके बोल लेते हैं, हाँ मिलवाते। तो हम आए हुए हैं अभी ताई जी के यहाँ, यहाँ अपने ससुराल में आए हुए हैं, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं घर, घर पे जाके वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बोले तो, और ये चिंकी अपने हाथों से मोमोज बना के लाई है, किसके लिए लाई हो चिंकी? मेरे लिए, जीजू के लिए। जीजू के लिए लाई है, ओफो इतना ज़्यादा जीजू प्रेम। तो ये जीजू के लिए अपने मोमोज लेके आई हैं, और ये इनके जीजू हैं कि चिंकी के मोमोज का वेट करे। चिंकी अपना मोमोज तो दिखाओ, ओह वेरी टेस्टी, चलो हम लोग खाते हैं, जीजू लग भी गए हैं खाने में, वेरी गुड, खाइए खाइए, देखिए खाइए, आ हाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मुझे कल निकलना है लखनऊ, तो मैं दीदी के आई हूँ, मेरा कुछ गला भी थोड़ा सा बैठा बैठा सा हो गया है। मैं सुबह से आई हूँ दीदी के यहाँ, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। अब थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हुआ है, हम लोग चाह रहे हैं छत पे, मैंने कहा कि लॉप को अपनी दीदी से मिला लीजिए, दीदी का मीन्स मेरी नंद है। नंद अगर मैं इलाहाबाद आती हूँ तो यहाँ पे मेरा ससुराल नैका है, तो चाहे मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ लेकिन अपने ससुराल में ज़रूर जाती हूँ। दीदी दूसरी जगह रहती थी लेकिन अब वो इलाहाबाद में ही यहाँ पे रहने लगी हैं लोकल, तो उनके यहाँ तो मैं ज़रूर आती हूँ। तो मैं आई हूँ, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ उनका घर। वो यहाँ पे अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हैं, ये उनका घर है। और ये देखिए, और ये दीदी मेरी क्या बना रही है, दीदी क्या बना रही है, टिकिया बना रही है। दीदी मेरी टिकिया बना रही है,
यहाँ पे ये दीदी का किचन है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये दीदी का किचन है। जीजा जी बाहर बैठे, और ये देखिए यहाँ पे जीजा जी, ये दीदी, सब लोग बैठे। दीदी ने गरम गरम बढ़िया आलू की टिकिया बनाई है, तो सब लोग बैठ के खा रहे हैं। ये आप भी तो कर दिया करिए कभी, आए तो ये बैठे हैं, और ये दोनों बच्चे यहाँ पे खेलने में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये एक स्कूटी पे बैठी, एक स्कूटी के बगल में बैठी हैं, ये बैठी हुई हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता करके, उसके बाद छत पे जाते हैं, तो फिर वहाँ से आपको करते हैं। ये दीदी ने मैंगो शेक बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो शेक बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जा रहे थे मैंगो शेक पीने, और ये देखे ये ताई जी आ गई है, और ये सचिन आ गए, सब लोग आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं बैठ के बढ़िया ठंडे ठंडे मैंगो शेक पीने, और मैंगो शेक का आनंद लेने। हम लोग बैठे हुए, ये चीजें जी को देखिए एकदम शिद्दत से लगे हुए एक्करी बनाने में। आज हम लोग जीजा जी के हाथ की एक्करी खाएंगे। ये जीजा जी एकदम मस्त मगन होकर बना रहे हैं एक्करी। कल परसों लोग निकले संगम जाएंगे, बहुत दिन हो गए, कल या परसों निकले चाची को गोदी में ले लिए। आपकी गैर 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 बाय 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 बाय। अभी हम लोग, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरा देखिए कोल सीखे इधर साइड में स्वेलिंग भी हो गया, और इन लोग हैं नहीं, इनको थोड़ा सा मोबाइल का कुछ काम था। ये है, और छोटाला भाई गया है बाहर। हम बैठे हुए, मम्मी खाना बना रही हुई हैं, तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा जाने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर तबीयत नहीं सही रहेगी छोड़ देंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं एक हफ्ते का समय लेके आई थी, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि अब मैं चलूँ किसी भी तरह। मतलब ये होता ना कि 4-5 घंटे बैठ के जाना है, इतनी दूर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके जाऊँगी, देखती हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही, और वहाँ पर भी मैं अकेले ही हूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। आज मम्मी इनके लिए बना रही हूँ छोला पूड़ी, और पता नहीं क्या क्या बना रही हूँ, मुझे नहीं पता, अभी देखते। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। अगर कल जाते हैं लखनऊ, तो फिर आप लोग से लखनऊ जाते हैं, तब फिर वहाँ से प्रॉपर वहाँ पर प्रॉपर अच्छे से वीडियो शूट करेंगे। हमने नहीं सोचा था, यहाँ से उधर जाते थे अच्छा खासा था, जाते थे मैं बीमार पड़ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। तो चलिए ठीक है, फिर मैं वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से।